अरे भाई उठ जा, कॉलेज का टाइम हो गया है। अरे उठ जा भाई, लेट हो रही हूँ। मैं नहीं जा रहा, मुझे नींद आ रही है, अपने आप चली जा। उठ रहा है नहीं, मैं पापा को बुलाऊं। तेरा ना रोज रोज का काम हो गया है, चल मर ले। अच्छा सुन, शाम को ना अपने आप घर पे चली जियो, मुझे कहीं बाहर जाना है। चल ठीक है। अरे मानस नाम तो बता दे। लग राम ने फुर्सत में गड़ राखी से। अरे गड़ गड़ नहीं राखी, याद कती सोच समझ कर बना राखी है। अरे आए, अरे बाल देख ओए होए। चले भाई। कहाँ? कॉलेज और कहाँ, जल्दी चल, मुझे लेट हो रहा है। मुझे दोस्त के साथ कहीं बाहर जाना है, तू अपने आप को ले चली जा। भाई आज मेरा भी मन नहीं है, इसलिए मैं भी आज कॉलेज नहीं जा रही। तू पागल है क्या, तेरे एग्जाम आने वाले हैं, चुप चाली को ले चली जा। पर भाई सुना नहीं मैंने क्या कहा है, कॉलेज वाले। अरे यार कितने की आवाज भाई, वाली त्री सोन परी। अरे छोरी तेरी, छोरी तेरी जींस की फिटिंग मार डालेगी। हाय हाय, कनी फीलिंग मत ले भाभी अतरी। अरे मैडम कल टाइम तो आ जाइए, तराई वासिक तरा इंतजार करेगा। परेशान कर रहे थे, तूने कुछ बोला क्यों नहीं उन्हें? यार मैं क्या बोलूं उन्हें, उनका तो रोज का ही काम है। यार तू ऐसे चुप रहेगी ना तो उनकी हिम्मत रोज बढ़ती ही जाएगी। यार तू ही बता, मैं करूं तो क्या करूं? तो तू अपने भाई को बता ना सारी बात। नहीं यार, भाई को बताने से बात और बढ़ जाएगी। यार ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बात संभल जाएगी। चल ठीक है यार, मैं उनसे बात करती हूँ। कहाँ पे है? मैं अभी तो उसके साथ बाहर हूँ। घर कब तक आएगा? मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। चल ठीक है, आगे बात करता हूँ। चल ठीक है, जल्दी आइयो।
हाँ बोल, क्या जरूरी बात करनी है? भाई वो जब मैं कॉलेज से आ रही थी ना, इतनी बड़ी बात और तू मुझे बता रही है? भाई वो ना मैं डर गई थी कभी बात ना बड़ी हो जाए। तू ये बता वो मिलेंगे कहाँ? कॉलेज के पास। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को छेड़ने की? हे भगवान, ये मैं क्या करने जा रही थी? अपने भाई को ही खतरे में डाल रही थी। नहीं नहीं, मैं अपने भाई को कुछ नहीं बताऊंगी। मेरे लिए मेरा भाई ही सबसे बढ़कर है। मैं अपनी वजह से उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अरे तू टेंशन मत ले, मैं टाइम से आ जाऊंगा। बोला था मैंने उसको। तो आ गया, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ मैं बता दूंगा तेरे को। हाँ बोल, कौन सी जरूरी बात करनी थी? नहीं भाई कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? फोन पे तो बोली जरूरी बात करनी है, बता क्या बात करनी है। नहीं भाई कुछ नहीं, वो तो मैं ऐसे बोल रही थी। तू इतना घबरा क्यों रही है? चक्कर क्या है, क्या छुपा रही है मेरे से? बोल क्या बात है? तेरा हाथ तो बहुत गर्म है, तुझे तो बहुत तेज फीवर है। हाँ हाँ भाई यही तो बात थी, और उस टाइम मेरी तबीयत बहुत खराब थी, तुझे इसलिए फोन किया था। तू भी ना पागल है, मुझे उसी टाइम बता देती मैं बीमार हूँ, मैं उसी वक्त आ जाता। अरे भाई तुम उस टाइम अपने दोस्तों के साथ बिजी थे ना, बस मैंने इसलिए नहीं बताया। अरे बुद्धू मेरी बहन से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे लिए, तू एक काम कर आराम कर ले। आप ना पुलिस में कंप्लेंट जरूर करूंगी। फिर तो बेटा तू इंतजार करती रह, कब तू टेंशन फ्री होगी। आज के टाइम में ना सिर्फ पैसों का खेल है, और तेरे को पता भी नहीं चलेगा तेरी कंप्लेंट किस कोने में पड़ी होगी। यार तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है क्या? अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, सेल्फ डिपेंड होकर खुद ही ऐसे लोगों को सबक सिखाए। यार तू बिल्कुल सही बोल रही है, जब वो गलत हमारे साथ करते हैं तो हमारी फर्ज बनता है उनको सबक सिखाना। और क्या, लड़की है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम सबसे दब के रहे, हमारा भी हक बनता है कि हम खुद के लिए लड़े। ओहो मैडम आज तक इतनी पटोला ला गया है। मैडम जिंदगी के मजे करा दूंगा, बस एक बार आके दे। भैया मैं ऐसे वैसे टाइप की लड़की नहीं हूँ, मैं अच्छे घर से हूँ जहाँ लड़कियों की इज्जत की जाती है। आए हाय क्या बात कही है, सीधा दिल पे लगती है। चुपचाप ना चले जाओ यहाँ से। ना जाते ये करेगी तू, पुलिस ना बुलाओगी, बाप मेरा सच्चो भाई इसका एडवोकेट वो ना जाते हटते हैं। जा मेरे पास भी जो हो, इसी बात का तुम जैसे गवार लोग फायदा उठाते हो, वरना तुम्हारी औकात ही क्या है? दिखाओ अपनी औकात।
भैया मेरा हाथ छोड़ो। ना छोड़ता पता क्या करेगी। कुत्ते तुझे भाई बोला फिर भी शर्म नहीं है तेरे अंदर? हम तो बेशर्म। हाँ हम ना शर्म ना आया करे। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ मेरा हाथ छोड़ो। गलत के खिलाफ आवाज उठाना अच्छे से जानती है, इसलिए डरो मत, सामना करो।